5 अगस्त से अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और हालात ये हो गए हैं कि अब बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस जमात की कट्टरपंथियों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर इस तरह से हमले आप बंद करें। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी अब बांग्लादेश को दूसरा अफगानिस्तान बनाने में जुट चुके हैं। हिंदुओं पर हिंसा, बारूद बना बांग्लादेश। इन दो तस्वीरों में बारूद बन चुके बांग्लादेश की खूनी हकीकत दिख रही है। ये वो बांग्लादेश है जहां रहने वाले 1,35,00,000 हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ये वो बांग्लादेश है जहां हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और जलाया जा रहा है। ये वो बांग्लादेश है जहां हिंदू बेटी बहुओं और माओं के साथ गैंगरेप किए जा रहे हैं। ये वो बांग्लादेश है जहां 15 साल तक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने वाली शेख हसीना को अपने पीएम आवास से जान बचाकर भागना पड़ा है। ये वो बांग्लादेश है जहां प्रधानमंत्री आवास को लूटा गया, जलाया गया है। ये वो बांग्लादेश है जहां बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर हथौड़े चलाए गए, उनकी प्रतिमा को जमीन पर उठाकर पटक दिया गया। बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे महज 45 मिनट के अंदर बांग्लादेश के मुकद्दर पर जमात इस्लामी का कब्जा हो चुका है। अब बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनने जा रहा है। एक तरफ आवामी लीग के मुखिया शेख हसीना का वजूद खत्म हो रहा है, तो वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का चेहरा बनी खालिदा जिया का कट्टरपंथी मिशन बांग्लादेश में जड़ें जमा चुका है। 5 अगस्त 2024 के बाद से पूरा बांग्लादेश बदल चुका है। राजधानी ढाका पर जमाते इस्लामी से जुड़े कट्टरपंथी छात्र नेताओं का कब्जा है। अंतरिम सरकार के मुखिया बने मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। हजारों हिंदू और अल्पसंख्यक सड़क पर उतर चुके हैं। घबराए और गुस्से से भरे हिंदुओं के प्रदर्शनों की तस्वीरें साबित कर रही हैं कि बांग्लादेश में अब किसी का भी कंट्रोल नहीं है। এখানে পোলো বানাইছিল, গ্যাঞ্জাম হয়েছিল, পরে আমি ওদিকে দাঁড়া আসলাম। প্রথমে পুলিশে গুলি করছিল, পরে দেখে আর পারতাছে না, অনেক মানুষ আসা করছিল, পরে পুলিশে দিয়ে গেছে। জরা দেখিয়ে কহাঁ কহাঁ হিন্দু বাংলাদেশ মে প্রদর্শন কর রহে হ্যায়। বাংলাদেশ মে সবসে বড়া হিন্দুও কা প্রদর্শন ঢাকা মে হো রহা হ্যায়। ঢাকা সে প্রদর্শন কি দো তসবীরে আই হ্যায়। वहीं चटगांव में हिंदुओं की भारी भीड़ ने हिंसा रोकने के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं का साफ कहना है कि बांग्लादेश सभी का है, किसी एक धर्म का नहीं। प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पंचगढ़ गोपालगंज में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू। बेहद गुस्से से भरे हिंदुओं ने प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की। नारे लगाते हिंदुओं ने साफ किया कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, इसके लिए हमने खून दिया है, जरूरत पड़ी तो फिर से खून देंगे, बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है भाई। है हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो है उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश के 64 जिलों में 52 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू और अल्पसंख्यकों पर सबसे भीषण हमले किए गए। हिंदुओं को मारा गया, हिंदू महिलाओं के साथ गैंगरेप तक किए गए और अभी भी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के उत्तरी ढाका, दक्षिणी ढाका,
चटगांव, गोपालगंज, खुलना, सिलहट, राजशाही, मयमन सिंह, रंगपुर, बरिसाल, कुमिला, गाजीपुर और नारायणगंज में जमकर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई और जमात इस्लामी की कठपुतली बन चुका है। यही वजह है कि कुछ कट्टर मौलाना बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार को लेकर भड़काऊ नारे और बयानबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर कट्टरपंथी मुसलमान बेहद खुश हैं। जरा देखिए, खुद को इस्लामिक विद्वान बताने वाले अबू नज्म फर्नांडो बिन अल इस्कंदर ने बांग्लादेश से हिंदुओं को समाप्त करने की अपील की है। इस अपील को लेकर मौलाना ने एक्स पर ट्वीट किया है। मौलाना अबू नज्म फर्नांडो बिन अल इस्कंदर ने इस्लामी कानून का हवाला देते हुए कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के पास दो विकल्प हैं। पहला ये है कि मौत को गले लगा लें और दूसरा ये कि इस्लाम अपना लें। अगर बांग्लादेशी हिंदू इस्लाम धर्म ना अपनाएं तो उन्हें मार दिया जाए। मौलाना ने ये एक्स पर लिखा है कि उन्हें हिंदुओं से समस्या नहीं है, बस वो मुस्लिम देशों में मुसलमानों के नीचे रहने को स्वीकार कर लें, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दें और हिंदू इस्लामी कानूनों का पालन करें। जमात और कट्टरपंथियों ने पूरे बांग्लादेश को जकड़ लिया है। इधर बांग्लादेश के कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले को रोक नहीं पा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, खास तौर पर हिंदुओं पर किए जा रहे हमलों की निंदा की। मोहम्मद यूनुस ने इसे जघन्य अपराध कहा है। यूनुस ने शेख हसीना विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्रों से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को रोकने की अपील की है। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं? आप इस देश को बचाने में सक्षम हैं? क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? मोहम्मद यूनुस ने छात्रों से सभी हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवारों को हिंसा से बचाने की अपील की है। बांग्लादेश में गृह युद्ध, हसीना वर्सेस खालिदा। मोहम्मद यूनुस भले ही लाख अपील कर लें, लेकिन जमात के कट्टरपंथी बांग्लादेश को अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाने में जुटे हैं। पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में क्या क्या हुआ है, जरा ये भी जान लीजिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों और उनकी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के सैनिकों पर हमला किया है। खबर के मुताबिक बांग्लादेश के गोपालगंज में आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने सेना पर हमला किया। आवामी लीग ने शेख हसीना की वापसी की मांग को लेकर रैली बुलाई थी। इसमें गोपीनाथपुरा और जलालाबाद यूनियन के हजारों समर्थक शामिल थे। शेख हसीना के समर्थकों ने ढाका खुलना राजमार्ग बंद कर दिया। जैसे ही सेना ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाई, तभी भीड़ ने सेना पर हमला कर दिया। गोपालगंज में हजारों कार्यकर्ताओं ने सेना के एक वाहन को आग के हवाले कर दिया, जबकि हिंसा के दौरान सेना के एक जवान से हथियार छीन लिए गए। हिंसक घटना में बांग्लादेश की सेना के 5 जवानों समेत 15 लोग घायल हुए हैं। गोपालगंज कैंप के लेफ्टिनेंट कर्नल मकसूदुर रहमान ने इस खबर की पुष्टि की है। बांग्लादेश में अब कोई सिस्टम नहीं बचा है। खौफ के मारे हजारों हिंदू भारत बांग्लादेश सीमा पर भाग कर आ रहे हैं, जिन्हें बीएसएफ ने रोक कर रखा है। भयंकर हिंसा के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफा दिया था और फिर भारत में शरण ली थी। लेकिन इधर शेख हसीना के बेटे सजीव वाजे जॉय ने दावा किया है कि उनकी मां शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया है। सजीव वाजे ने कहा है कि उनकी मां भारत जाने से पहले इस्तीफा नहीं देना चाहती थी। रॉयटर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरी मां ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा नहीं दिया, उनके पास इतना वक्त नहीं था। आधिकारिक तौर पर वो अब भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। Stories that you're hearing, they're just rumors. My mother has not reached out to any country. She has not applied for asylum anywhere.
right, she wants to go back to Bangladesh. एक दिन पहले बांग्लादेश में चीफ जस्टिस के घर को घेरकर इस्तीफा देने की मांग की गई, जिसके बाद बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने इस्तीफा दे दिया है। चीफ जस्टिस के इस्तीफे के बाद 5 और जज अपना पद छोड़ सकते हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक सभी 6 जज इस्तीफा नहीं देते, वो सड़कें खाली नहीं करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया है। वित्त मंत्रालय के सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद के मुताबिक बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकदार ने इस्तीफा दे दिया है, हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। बांग्लादेश में भयंकर बवाल के चलते एटीएम में कैश की कमी हो गई है। खबरों के मुताबिक कई बैंक लूटे जा चुके हैं। कई बैंकों ने लूटपाट के डर से एटीएम बूथ बंद कर दिए हैं। 5 अगस्त को पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद से पुलिस अब तक काम पर नहीं लौटी है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। बैंकर्स के मुताबिक एटीएम में कैश नहीं है, क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी एटीएम तक कैश पहुंचाते हैं वो काम पर नहीं लौटे। यहां तक कि अब बांग्लादेश में 7 दिन में 2 लाख टका निकालने के लिए नए नियम बना दिए गए हैं। कैश की भारी किल्लत हो गई है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हैं। इतना तो साफ है कि शेख हसीना और खालिदा जिया की जंग के बीच हिंदू पिस रहे हैं। जो खबरें ढाका से आ रही हैं, उससे साफ है कि अंतरिम सरकार में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी सरकार में बड़ी हिस्सेदारी लेने की कोशिश में है। बांग्लादेश में जो माहौल बनाया गया है, उसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो हिंदू विरोधी है वही सच्चा बांग्लादेशी है, जबकि हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में अच्छी खासी है, खास तौर से 4 जिलों में जहां सबसे ज्यादा हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के 4 जिले ऐसे हैं जहां हिंदुओं पर चुन चुन कर हमले हो रहे हैं। इन 4 जिलों में हिंदुओं की आबादी 20% से अधिक है। ढाका डिवीजन के गोपालगंज जिले में हिंदुओं की आबादी 26% है। वहीं खुलना जिले में 20% से ज्यादा हिंदू रहते हैं। रंगपुर डिवीजन के ठाकुरगांव जिले में 22% हिंदू निवास करते हैं। सियालहाट के मौलवी बाजार जिले में 24% है। बांग्लादेश में हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। बांग्लादेश के 61 जिलों में हिंदुओं की बड़ी आबादी रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं। यही वजह है कि अब वो निशाने पर हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के मुताबिक देश के 64 में 52 जिलों में हिंदुओं और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर बांग्लादेश एक ऐसे बारूद पर बैठा है जिसका रिमोट जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथियों के हाथों में जा चुका है। अब देखना होगा कि कब तक बांग्लादेश के हिंदू हिंसा का शिकार होते हैं।